तो चली जा अब उत्तर प्रदेश के दावेदारी प्रस्तुत करे आ रहल बड़ी एक लड़की सुंदर सुशील हसीन अनामिका सिंह। महंत कॉलोनी सीताकुंड सुल्तानपुर यूपी से आप हैं अनामिका सिंह। आप कह रहल हैं दिखाइब अपना सुर के दम, सुर संग्राम जीते हम। हम गाना सुनने में बहुत विभोर हो गए। अब हम सोचे थे किकरा पास चली ये नथुनिया के लेके। कल्पना जी, जैसे नागिन से सपेरा, ये जो लाइन है मुझे हर बार लगा कि आपने उस टेम्पो को जैसे बहुत टेम्पो में गाया, उसको जैसे नागिन की जो चाल है उसको महसूस करके अगर आप गाते जी। तो वो गीत में भी वो चलन महसूस मुझे थोड़ा सा कम हुआ, बाकी बोलने की कोई चांस ही नहीं है आपके पास। बहुत बढ़िया अनामिका, सबसे पहले तो बधाई, काहे से कि आप अवध की हैं, सुल्तानपुर से हैं। आहे दादा, इतना प्रेम, बहुत प्रेम, अवध से ढेर प्रेम। जोरदार ताली अवध के लिए, भोजपुरी के लिए। और मैं प्रभु से कामना करूंगी कि आने वाले समय में आप अवधी भाषा का, भोजपुरी भाषा का, उत्तर प्रदेश का और पूरे देश का, संस्कृति का खूब नाम रोशन करें। चलो ठीक है, अपनी जगह बैठ जाओ। यूपी जानदार बा, यूपी जानदार बा, मगर बिहार शानदार बा। केहू केहू से नहीं खे कम, केहू केहू से नहीं खे हल्का। और बिहार के तरफ से पश्चिम बंगाल के रहे वाली रोनिका काठपुल मंदिरी पटना बिहार से आप हैं रोनिका बने। आपके मकसद बा बिहार के नाम बुलंद करे, देखी आवाम, हारे नहीं आयल बानी, जय बिहार जय सुर संग्राम। मिलन वा हाय राम सैया से कर वे मिलन वा।
हे गंगा भैया तुहे पियरी चढ़ेबो। तोरा के देखत नहीं तो हमारा लागत रहा कि हम सिनेमा देखत बनी। वैसे ही ड्रेस, वैसे ही चुनरी, वैसे ही बाकी तो कल्पना जी के पास। आपने भी बहुत ही टफ गाना ही चुना, मैं बोलूँगी लता जी का गाया हुआ, और फिर भी आपने, आपकी आवाज़ मीठी है, प्यारी है, आपने अच्छा ही गाए। और कहीं कहीं मुझे फ्लैट लगा, थोड़ा सा नोट थोड़ा सा बेसुरा लगा कहीं कहीं, बाकी अच्छा है, कोशिश जारी रखिए। रोनिका, तू तो हमरा के बनारस पहुँचा दे ले। सबसे पहले तो गंगा माई के प्रणाम। बहुत सुंदर आपका प्रयास रहेल। आप कलकत्ता की रहने वाली हैं? ना, हम बिहार से आयल बनी, पटना से। लेकिन बंगाल की हैं? हाँ, बंगाली ही हैं। बंगाल की आवाज़ के जादू आपके गले में पूरा दिख रहा है, समझ में आ रहा है। लेकिन भोजपुरी के अंचल में अभी उतरे में थोड़ा तनिक समय लगे। जो गीत आप बे चुन रही, ये बहुत सुंदर प्रसिद्ध निर्गुण बा बनारस के। ऐसन ऐसन गीत जब में गंगा की बात हो, पचरा की बात हो, देवी गीत की बात हो, चैती होरी झूमर, ये सब जौन विधा हो ओके, हम सब दर्शकन के सामने आवे बहुत जरूरी। तो साधुवाद गंगा जी के ऊपर गीत गावे का, बहुत बहुत धन्यवाद। चलो बहुत अच्छा, चल के अपने बिहार के टीम में बैठ जा। अब मुलाकात करा रहल बनी अपने उत्तर प्रदेश के फौजी रेजिमेंट के ओ सिपाही से जवन गाजीपुर दिलदार नगर के रहे वाले बाड़े, मोहन राठौर के स्वागत करी। निरहु का पूरा दिलदार नगर गाजीपुर उत्तर प्रदेश के सूरवी आप हैं मोहन राठौर। सुर संग्राम के मंच पर कहत हुए ललका, उत्तर प्रदेश के आगे भैया टीक ना सकी बिहार। मजा दे देला हमरा के ना कि हम देखा यूपी के रास्ता से बनारस के घाट धक्के ली होने से। अभी तक तो हमरा लागत रहा कि हम कहीं केने बैठी केने बैठी, अभी एकदम हम बीच में खड़ा हो गए बानी और कल्पना जी के पास चल रहा बानी। कल्पना जी बड़ी मुस्कियात रही है। कुछ कहे लायक बाकी नहीं खे, कहा कहीं एक ही बात बोलूंगी, छक्का मार गई बलबुआ, छक्का मार गई। तो गाना था ना,
अरे बाप रे बाप, वैसे आप बहुत सुंदर हैं कल्पना जी। आप जब गाने के बारे में बात कीजिए जी। ओके ओके ठीक है। मालिनी जी, गनवा तो बहुत चोख लगल, एकदम चोख लगल, चोख एकदम चोख, जादू चढ़ गई तुहार, कुल पब्लिक में सब कुल लोग नाचत रहे, लेकिन गनवा में कोनो खास बात नहीं खे दिखाई। गनवा दमदार रहा, प्रस्तुति बेजोड़ रहल, सुर ताल में कमी कोनो नहीं खे, लेकिन आगे कोशिश करी कि कोनो ऐसा गाना निकार के अपन पिटारी में से लावत आए जो सुनाए में पहले न पड़ा। मैं कुछ बोलना चाहूंगी इसमें। मेरे हिसाब से, खासकर मैं, हम लोग यहाँ पे सिंगर्स ढूंढने आए हैं, ना कि किसने क्या लिरिक्स चुना। ऑफ कोर्स वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन क्योंकि आज सब लोग अपना परिचय दे रहे हैं, खुद गा रहे, गले से सुर संग्राम है ये, तो एज ए सिंगर मैं, मेरे हिसाब से जांच करना चाहिए, और मैंने उस हिसाब से बात किया। चली जा आवाम, आप लोग देख रहे बनी जा, ई मत सोचे जो कि जज लोग अभी थोड़ी देर में बजाबाजी करे वाला बा, बिल्कुल नहीं, कहें कि वो लोग के सोच बदल सकेला, उन लोग के तरीका बदल सकेला, माने खातिर दोनों लोग तैयार बटे कि लड़का में बड़ा दम बटे, बहुत सियार बटे, और चल बचुआ बैठ जाओ। मोहन राठौर के बाद चार गो फौजी, बिहार के चार गो, उत्तर प्रदेश के फौजी दावेदारी ठोंक दिले बड़े। हालांकि बिहार में दू गो फौजी आइनो बड़ी सन, हेने एक ही फौजी आइन बिया, लेकिन कोनो बात नहीं, आमने सामने यूपी बिहार, ना चली लाठी ना तलवार, चली तो सिर्फ सुर के धार, देखत रहे अमाम सुर संग्राम। स्वागत खातिर तैयार बटन सुर संग्राम, दीवाना बना दे। एक बात ध्यान से सोच ले जा कि हमनी के शो में जवन दू गो जज बाड़ी जा, जहां एक जनी पूरी दुनिया के भोजपुरी में एगो अलगे पताका फहरौले बड़े अपने सुर से कल्पना, वहीं मालिनी अवस्थी जी जो पीछे कुछ दिन में अचानक भोजपुरी के घर घर में चर्चा के विषय हो गई बड़ी, उ लोग हमनी के फौजियन के सुर के जजमेंट कर रहल बटे, और ई बात हमनी के लोगन खातिन बहुत खास बाटे। कहे कि आज कुछ लोग हमनी के ई सुर संग्राम से विदा हो जाई। आप लोग कुछ तनाव में लोग होते हैं, ठीक बटे ना? एकदम नहीं। कैसा तनाव? कौन सा तनाव? किसकी बात कर रहे हैं कल्पना? हाँ, पता नहीं आपको तनाव हो गया है, थक गए लग रहा है। हम लोग तो नहीं थके, बुलाइए बुलाइए कौन, अमरजीत सिंह जी को। तो हम आप लोग के सामने बुला रहे हलवानी अपने बिहार के फौजी नंबर 5। वो रहे वाले झारखंड के बड़े धनबाद के, लेकिन वो बिहार के टीम में शामिल बाड़े, अमरजीत विक्की के स्वागत करें जोरदार ताली से। आप हैं मटकुरिया धनबाद झारखंड से सुर के सरदार अमरजीत सिंह विक्की, आपके ऐलान बा देखी सारा संसार, सरदार बनी सुर के सरदार, बोले सोनेहार। अरे चले लूटा हरिया ता नदी पीछे नैया हिलोर मारे, अरे चले लूटा हरिया ता नदी पीछे नैया हिलोर मारे, हिलोर मारे करी हैया गोरी, हिलोर मारे करी हैया गोरी, हिलोर मारे चले लूटा हरिया ता नदी पीछे नैया हिलोर मारे, चले लूटा हरिया ता नदी पीछे नैया हिलोर मारे करी हैया गोरी, हिलोर मारे करी हैया गोरी, हिलोर मारे। बोले लू टप के माधवा मिसी दिया, हसलू त फूल झरे कम के लखोरिया, बोले लू त टप के
केला माधवा मिसिरिया हस लूता फूल झरे कम केला कोरिया कन किस ताके लूता लागे केहू जदुआ परोर मारे कन किस ताके लूता लागे केहू जदुआ परोर मारे परोर मारे करी हैया गोरी हिलोर मारे करी हैया गोरी हिलोर मारे चले लूटा हरिया तना दी बीचे नैया हिलोर मारे चले लूटा हरिया तना दी बीचे नैया हिलोर मारे हिलोर मारे करी हैया गोरी हिलोर मारे करी बहुत बहुत हिलोर मारता बहुत बहुत हिलोर मारता। हम चलत बनी कल्पना जी के पास। विकी जी, आप पंजाबी है तो पहले मैं पूछना चाहूंगी, आपको कैसे इंस्पिरेशन मिला कि आपने भोजपुरी को चुना? जब कल्पना जी आसाम के आके भोजपुरी गावेला तो सरदार जी कहे जी पीछे ये तो आज के एपिसोड के सबसे बढ़िया जवाब हो गए। सही बात है। और इस कार्यक्रम में मैं चाहती हूँ कि मेरे जो दिल में है, जो फीलिंग्स है कॉन्टेस्टेंट्स को लेके, वो बहुत अच्छा से नेचुरल वे में एक्सप्रेस करूँ। और अगर मैं भोजपुरी में बोलती तो शायद कहीं ना कहीं मुझे सोच सोच के बोलना पड़ता, जो नेचुरल एक्सप्रेशन नहीं निकल पाते। रवा कौनो भाषा में बोली हम भोजपुरी में समझो। ओके थैंक यू। बाकी विक्की जी, आपने मोहन जी की तरह ही कोई कुछ बोलने का कोई रास्ता नहीं छोड़ा, कोई चूक नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा टेम्पो थोड़ा सा अलग था, लेकिन वो 2% माफ किया जा सकता है। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बधाई और बहुत उत्तम आपने गाया, बहुत बढ़िया। थोड़ा बहुत सुर का इधर उधर हुआ लेकिन माफ किया जा सकता है। आज पहला एपिसोड है, बहुत शानदार। अमरजीत के इस सवाल के जवाब देवे खातिर आ रहल बड़े हमनी के उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर के जुबेर आलम। जगदीशपुर सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश के सूरवीर आप हैं जुबेर आलम हाशमी। नगर नगर डगर डगर गली गली पहुंची संदेश, हमार लागी असली सुर दावेदारी पाई उत्तर प्रदेश। बीच बगिया कोयल कुहके जाए के हो लहरिया पिने लगोरी महुआ ठीक दुपहरिया पिने लगोरी महुआ ठीक दुपहरिया पिने लगोरी महुआ 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 ठीक दुपहरिया पिने लगोरी महुआ ठीक दुपहरिया बिनेली फूल महुआ
कहाँ से खोद के गीत निकल ला पहले ही बताओ। ये हमारे गुरु जी पंडित छन्नूलाल मिश्रा जी बनारस से। क्या बात, वो हमका सिखोले ना। तो सबसे पहले तो बधाई, काहे से कि आज के सांझ के सबसे बेजोड़ प्रस्तुत। कल्पना जी ऐसे गीत होके के चाहिए भोजपुरी के। जुबेर जी सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं सहमत हूँ मालिनी जी से कि मैं बेबाक हो गई, कुछ बोलना ही नहीं है। और सही में अब तक का सबसे अच्छा ये गीत रहा। शुक्रिया जुबेर, तू जज साहब लोग के बहुत इम्प्रेस के लिए बड़ा दौड़त जाके बैठा हो जी। पहले ही से हमने के ऐसा शंका होत रहे कि जब हमने के सुर संग्राम शुरू हुई तब पता नहीं कितनी कितनी भाव आई हमने के इस सुर के युद्ध के, कहीं लोग सही में युद्ध ना समझ ले हमने के डरात रहनी जा, और डर अभी भी बनल बाटे हमने के। लेकिन हमने के सौभाग्यशाली वाली जब भोजपुरी वासी कि हमनिये के पास चार गो स्टेट बा, और कोनो भाषा के पास चार गो स्टेट है ये नहीं खे, हमने के पास बाटे यूपी बा हमरा पास, बिहार बा हमरा पास, झारखंड हमरा पास, छत्तीसगढ़ हमरा पास, आसाम भी हमरा पास बाटे। तो ये भाव के ध्यान में रखते हुए सुर और साहित्य और लय के युद्ध बाटे एक ही मत भुलाई जा, और जवन उत्तर प्रदेश के दगाइल बाटे एगो वाण ओकर अब जवाब देवे खातिर आ रहल बाणे हमरे बिहार के फौजी नंबर 6 फौजी आइन बाड़ी छवि पांडे। बिहार के राजधानी शहर पटना से आप हैं छवि पांडे। आपके तमन्ना बा बिहार के नाम रोशन करे, बात कहीं खुलेआम, जीते भम सुर संग्राम, जीते भम सुर संग्राम। सिया हमरी अटरिया बुलाई गई ले, किकरा घघरा में जाके हिराई गई ले। सिया हमरी अटरिया बुलाई गई ले, किकरा घघरा में जाके हिराई गई ले। सिया हमरी अटरिया कल्पना जी से शुरू कर। एकदम एक फ्रेश आवाज़ है और प्लेबैक आवाज़ है मुझे ऐसा लगा, और जो एक नापतोल होना चाहिए प्लेबैक सिंगिंग में, आपको बहुत आता होगा लेकिन उसको कंट्रोल में ही दिखाना चाहिए, वो बात आपने मेंटेन रखा, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। धन्यवाद मैम। ये बड़ी छोटी उम्र में आप नौकरी आप शुरू कर दे ली और फिर गायन साथ में। माननीय रेल मंत्री महोदय जी द्वारा देवल बा हमार नौकरी, तो हमार गायकी से प्रभावित होकर के पिछला साल हमरा दे दिलन नौकरी रेलवे में। जोरदार ताली रेल मंत्री माननीय लालू प्रसाद यादव जी। जी क्या बात है। छवि आपने क्लासिकल म्यूजिक सीखा है। जी उसका असर दिख रहा है आपके गाने में, लेकिन सबसे बड़े कमाल की बात यह है कि आपको उसका संतुलन मालूम है कि गायकी में कहीं गाना ना गुम हो जाए, और सबसे बड़ी ताकत जो आपके पास है वो आपकी आवाज़, एकदम बारीक महीन लेकिन मजबूत,
बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। और हम ये कह सकेली कि जुबेर आलम के बाद सांझ की दूसरी बेजोड़ प्रस्तुति, बहुत सुंदर। वाह, हमार भी तोरे खातिर बहुत शुभकामना बाटे, तुहार कुर्सी इंतजार करता। रेलवे के बाइक थोड़े है। अरे देखिए गिरे 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 कर गड्ढा बचा के भाई, आप लोग कहें कि आगे जज साहब के आगे थोड़ा सा गड्ढा बाटे। वो हमारी गलती दिखे, वो थोड़ा सा बनल बाटे। बिहार के दावेदारी प्रस्तुत कर दहली छवि पांडे, और उनकर जवाब देवे खातिन आ रहल बाड़ी उत्तर प्रदेश फौजी रेजिमेंट के एगो ऐसन सिपाही जिनकर घर गोरखपुर में बाटे। गोरखनाथ बाबा के धरती गोरखनाथ से जोरदार ताली से स्वागत करी विजेता गोस्वामी जी के। सूरज कुंड कॉलोनी गोरखपुर उत्तर प्रदेश के सूरवीर, आप हैं विजेता गोस्वामी। जवानी यहाँ के कहतानी, यूपी सबसे बढ़िया, सबसे आगे, सबसे ऊपर। गोरखपुर से हमें जाए और गोरखपुर का झंडा गाड़ के आई। मिलल बसराबी दिलवा मा
आप उठिए। अरे हम कैसे उठे, हम सिनेमा में ऐसे ही तो बैठा रही, ब्याह होते रहे हमारे, तो में गाना होते रहे, तो हम ऐसे बैठ गए दूल्हा बन के, आप कहते हैं तो हम उठ गए। जोरदार ताली बजाई जा, जोरदार ताली बजाई जा। का गाना गौली हो कि सैया जी हमके सतावे ले घुमरी घुमाए के? नहीं ई नहीं गेली है। का गोलू हो? सैया जी दिलवा मांगे। नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं। लास्ट में कि हमके सतावे बहुत, कैसे का गोलू? जुलमी सतावे बहुत हमके, हाय ढेवरी बुताई। अच्छा ढेवरी, अगर आप लोग के ढेवरी ना समझ में आवत होई तो कल्पना जी से पूछ ले जाई। ढेवरी मतलब आई थिंक दिया, गांव में जो मिट्टी के तेल से जलता है। हाँ ढीबरी मैंने दिया। वो अच्छा बाटे, विनय बिहारी जी के बुलावे की जरूरत नहीं पड़ल। आप ये से बताइए अब कैसा लागल, बाकी तो मालिनी जी के पास वहाँ चलब हम। पहले मनोज जी मैं इस गीत को सलाम करती हूँ, इसलिए सलाम करती हूँ, ये महज एक आइटम सॉन्ग या नौटंकी नहीं है, इसी गीत की वजह से शायद आज हम सभी लोग ये इंडस्ट्री, जो भोजपुरी इंडस्ट्री, जो आपका पहला फिल्म रहल, बिल्कुल ससुरा बड़ा पैसे वाला, इस फिल्म, इस गीत का, इस फिल्म का बहुत बड़ा हाथ है। दूसरी बात, आपने मूड को बहुत अच्छा से निभाया, आपने महसूस करने की कोशिश किया गीत को, वो मुझे अच्छा लगा। पर हम चाहते नहीं कि मालिनी जी भी मंच पे आके डिसीजन सुने। आशीर्वाद बाबा गोरखनाथ के इनके मिलल, कहे से कि सुर में और सुर के लगाव में, गायकी में पूरा ओज है, पूरा जोर है। और बाकी गाने के बारे में मुझे लगता है कल्पना से ज़्यादा अच्छा कोई नहीं जजमेंट दे सकता था, क्योंकि उसी का गाया हुआ बहुत हिट गाना है, लेकिन गाने के हिसाब से जैसा गाना था बहुत अच्छा गाया, बहुत बढ़िया। जो बच्चियाँ अपने जगह पर बैठ जाओ। हमनी के वो मोड़ पे आगे बनी जा, जब हमनी के 12 गो फौजी लोगन में से 3 लोग, हो सकेला 2 लोग, जिसन भी हुई आप लोग के डिसीजन, कुछ लोग के आज सफर रुक जाई, लेकिन हम वो क्षण खातिर थोड़ा सा समय दे, पता नहीं किकर सफर यहाँ से रुक जाई, किकर गाड़ी बढ़ जाई। अब एक ऐसा समय हमने खड़ा बनी जा, जहां हमार जज लोग हमरा के अपन डिसीजन सुना के दे देले बाटे, और हमरा हाथ में वो 3 गो नाम आ गेल बाटे जोन आज एलिमिनेट हो जाए, और ज्योति आप तीनों लोग तरीका चलने तुमने छंड के लसन आई हो दादा, आई हो दादा, अरे हाई धक धकी, रे बाप रे बाप। आप लोग सेफ पानी जा, आप लोग के गाड़ी हमार जज लोग आगे बढ़ा देले बटे, और जाके आप लोग सीट पे बैठ जाते, दौड़ के बैठ जाते। जोरदार तालियों स्वागत करिए आप लोग। तीन लोग जे बाटे जे आज हमनी के बीच से ओकर सफर रुक जाई, हम ओकर नाम इतना आसानी से थोड़े ले सकीला। जा जा बैठ जा, जा दौड़ के बैठा जा अपनी जगह पे। हमारे पास ऐसे जो बचवा देखी जा, जहां तक जज लोग के सवाल बाटी तो जज लोग कुछ न कुछ देखले हुई, और जे 3 लोग आज सफर जिनका रुक जाई, वो 3 लोग यही 5 लोग में से 3 गो बाटे। अब हमार दिमाग खुद नहीं के काम करत कि हम उन लोग के नाम कैसे ले, अमरजीत भाई आ गया वो,
जे जे पीछे खड़ा बाटे ओकर यात्रा रुक गई। मोहित, मंटू मिश्रा हसमुख और साकेत आज के हमनी के जज के अनुसार सुर संग्राम में उनकर यात्रा रुक जाई। हालांकि हमनी के पूरा शुभकामना रही कि वो लोग आगे बढ़ें और आप लोग अपने अपने जगह पे बैठ जाए, जैसे पड़ा जाए। मनोज जी और गज जी, एक बात कहना चाहूंगी कि कल के एपिसोड में हम लोग फिर से सुनेंगे 12 लोगों को और उसमें से 3 लोगों को हमें हटाना है, लेकिन यदि वो इनसे अच्छे नहीं हुए तो हम चाहेंगे कि इसमें से जो थोड़े अच्छे मैं भी मालिनी जी को उन्हें हम रखना चाहेंगे। तो आज भले ये आपके एपिसोड के नियम से ये गेम से आउट हैं, लेकिन ये पूरी तरह से गेम से आउट नहीं, कल वालों को भी हम सुन करके देखेंगे। यदि वे बहुत बेहतरीन हैं तब तो कोई बात नहीं, जैसा गेम चल रहा है वैसे ही रहेगा, और यदि उनमें से 4 जाने योग्य हुए तो इनमें से कोई एक वापस आएगा। बहुत बढ़िया, एकदम मैं सपोर्ट करती हूँ, बहुत बढ़िया। मोहित बाबू, कुछ कहल चाहता रे? ठीक बा जोन फैसला बाबू, ठीक बा, कल फिर गाइब, अच्छा लगी ता सभी ला ज्यादा ना कब काबी की नहीं मिली, बल्कि कल